फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए हरे धनिए की चटनी लेकर आई हूँ, जो इतनी टेस्टी होगी, वो बहुत ही अच्छी लगती है, वो खाने में मज़ेदार है और झटपट बन जाती है। उसके लिए हम एक जार लेंगे, उसमें हरा धनिया डालेंगे, नहीं, उसमें सबसे पहले हम टमाटर डालेंगे एक कटा हुआ, फिर धनिया डालेंगे साफ धो के काट के अच्छे से। धनिया डाल दिया, 3 हरी मिर्च डालिए छोटी छोटी, लहसुन की कलियां डाल लिए, आप लहसुन नहीं खाते तो मत डालिए। फिर जीरा डालते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं, नमक स्वाद अनुसार डालिएगा, क्योंकि नमक बाद में भी डल सकता है, क्योंकि चटनी बना रहे हैं तो इसमें बाद में भी कम ज्यादा रहे तो डल सकता है। और आधा छोटा चम्मच मिर्च, क्योंकि इसमें हरी मिर्च डाल दी तो ये कम ही डालेंगे, और अमचूर पाउडर। अब इसको हम पीसेंगे, इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने टमाटर डाल दिया है। देखिए हमारी चटनी, देखिए हमारी चटनी पिस गई है और अच्छी भी लग रही है। अब इसको हम सर्व, देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी एकदम तैयार है। इसको आप खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लगी। इसको आप पूरी के साथ, परांठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, कैसे भी करके इसको खा सकते हैं, और ये खराब भी नहीं हो सकती। आप इसको 7 दिन तक भी खा सकते हैं, और ये इतनी अच्छी लगती है, उसका कहना ही क्या। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए, और अगली रेसिपी के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।